नमस्कार पायनियर देख रहे हैं आप, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। कोरोना वायरस को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश में भय का माहौल बना हुआ है। लोग एक दूसरे से कोरोना वायरस को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही लोग कोरोना वायरस को लेकर चिंतित हैं। लोगों के मन में हजारों सवाल बने हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आप अपने आप को इस वायरस से कैसे बचा सकते हैं, साथ ही हम आपके मन से भय को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं ताकि आप इनको अपने डेली रूटीन में शामिल कर वायरस से बच सकें। सबसे पहले आप घबराएं नहीं। शोधकर्ताओं का कहना है कि उदाहरण के तौर पर समझना होगा कि इस समय कोरोना के उपचार कारगर नहीं है लेकिन मददगार हैं। उन्होंने कहा कि 5 में से 4 लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और ऐसे संक्रमित लोगों को खांसी और बुखार के लिए केवल पैरासीटामोल जैसी दवाएं ही काफी रहेंगी। यदि बुखार या खांसी ठीक नहीं होती है तो उसको अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना होगा। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के बेहद आसान तरीके हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। पुनीता हसीजा ने कहा कि भारत में तापमान अधिक होने के कारण इसके बढ़ने की आशंका काफी कम हो जाती है। तो वहीं कोरोना वायरस से बचने के लिए डॉक्टरों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बार बार अपने हाथों को धोते रहें, फर्श पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें, अपना चेहरा छूने से बचें। मतलब भ्रम की स्थिति तो हम लोग चाहेंगे कि मीडिया की हेल्प से हम चाहेंगे कि अवेयरनेस करा जाए कि इसमें बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना जो वायरस है एक फ्लू लाइक इन्फेक्शन है जो हमारे को सांस के मतलब जो हम छींकते हैं या हम खांसी करते हैं उन ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलता है। तो उसका बचाव का एक तो तरीका है कि हम अपना मुंह ढक के रखें और अगर कोई मरीज़ है जो वो अपना मास्क पहन लें। और नॉर्मल लोगों के लिए हम चाहते हैं कि अपने हैंड हाइजीन पर ध्यान दें कि अपने हाथ को बार बार साफ़ करें, साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र अवेलेबल है सैनिटाइज़र से साफ़ करें और अपने मुंह को नाक को आंखों को टच ना करें गंदे हाथों से। हाँ डेफिनेटली इसका जो वायरस की जो इंटेंसिटी है वो 26-27 डिग्री टेम्परेचर होने पे जो है वो कम हो जाती है। तो हम जो है उसमें डेफिनेटली 26 टेम्परेचर राइज होने पे इसकी विरलिटी और वायरस भी ख़त्म हो जाता है इसमें। तो डेफिनेटली ये हमारे इंडिया के लिए एडेड एडवांटेज है टेम्परेचर राइज होने से। तो आखिर क्या है कोरोना वायरस जिसको लेकर पूरे देश में इन दिनों भय का माहौल बना हुआ है? यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। WHO ने इस बात का अंदेशा भी जताया है कि यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अब आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षणों को कैसे पहचाने। छींक आना, सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द, खांसी, बुखार, गंभीर स्थिति में निमोनिया होना कोरोना वायरस के लक्षण हैं। हमने आपको बताया कि कोरोना वायरस को कैसे पहचाना जा सकता है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। हाथ नियमित रूप से साबुन या हैंड वॉश से साफ करें। खांसते वक्त नाक और मुंह को टिश्यू पेपर से ढक लें। जिन्हें सर्दी या फ्लू हो उनसे दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी व तरल पदार्थ और पोषक आहार लें। गंदे हाथों से आँख नाक मुँह को पोंछे नहीं। किसी से मिलने के दौरान गले न लगें और न ही हाथ मिलाएं। कोरोना वायरस को लेकर लगातार एक भ्रम की स्थिति इस समय फैली हुई है। लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर कोरोना वायरस है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। अभी की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पायनियर हरियाणा। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।